So we are looking at some important questions for Sainik School Entrance 6th Standard. तो question number 28 देखते हैं. HCF of 1/4, 3/8, 5/16. So this is actually HCF of fractions. तो fraction का HCF कैसे निकालते हैं? It is equal to HCF of numerators divided by LCM of denominators. मतलब HCF किसका निकाल रहे हम? 135. और LCM किसका निकाल रहे हम? 4/8, 16. तो 135 का HCF तो 1 ये दिख रहा है अपने को, 4/8, 16 का LCM 16 है. So the answer is 1/16. Next question देखते हैं. By selling pencils at rupees 2.50 per pencil, SP1 कितना है उनका? 2 rupees 50 paise, मतलब 2250/100 rupees. Number of pencils कितने लिए? ये SP for one pencil है ये, ठीक है ना? नंबर ऑफ पेंसिल n है, तो सेलिंग प्राइस 1 कितना होगा? मतलब पहला सेलिंग प्राइस. देखो क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग पेंसिल्स एट 2.50 पर पेंसिल वी नोट गेन्स 110. मतलब जब वो 2 rupees 50 paise पर पेंसिल से बेच रहा है तो ही इज अर्निंग 110 rupees. सो SP1 इज 250/100 × n. तो इसका प्रॉफिट कितना है? 110 rupees. लेकिन SP का फॉर्मूला क्या है? CP प्लस प्रॉफिट. सो व्हाट इज CP? SP माइनस प्रॉफिट, विच इज 250 n/100 - 110. ये हो गया इक्वेशन 1. सेकेंड केस में क्या हो रहा है? SP फॉर वन पेंसिल कितना है? 1.75, मतलब 175/100. नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हैं? n. तो SP2, मतलब सेकेंड केस का SP कितना है? 175 n/100 rupees. इधर रुपीस लिखना भूल गया मैं. लेकिन इस केस में क्या हुआ उसको? लॉस कितने रुपीस का? 55. तो लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या है? SP = CP - loss. सो CP इज SP + loss. तो सेकेंड केस में CP कितना है? 175 n/100 + 55. लेकिन ये दोनों केस का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है. क्यों? उसने सेम सेट ऑफ पेंसिल्स एक बार 2.5 रुपये पर पेंसिल से बेचा, एक बार 1 rupees 75 paise पर पेंसिल से भेजा बेचा. तो इसकी वजह से तो सीपी इससे, तो दोनों सीपी कंपेयर करते हैं. 250 n/100 - 110 = 175 n/100 + 55. ये 110 राइट में आएगा, प्लस में जाएगा ये. सो 250 n/100 = 175 n/100 + 55 + 110. ये 175 n लेफ्ट में आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा ये. सो आई गेट 250 n/100 - 175 n/100 = 55 + 110 = 165. लेकिन 250 n - 175 कितना हुआ? 75 n/100 = 165. ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है. सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से n = 165 × 100/75. 25 3s, 25 4s, 3 1s, 355s, 220. कितने पेंसिल है उसके पास? 220 पेंसिल्स.
ओके नेक्स्ट देखते हैं। अबीज एज इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर। तो एज का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसे टेबल बनाना है, प्रेजेंट एज अभी एंड डॉटर। अभीज एज इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर। अगर डॉटर का एज, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज एक्स ईयर्स दिया है, डॉटर का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, तो अभी का कितना है, टू एक्स ईयर्स। ओके, फाइव ईयर्स अगो एज बिफोर फाइव ईयर्स, टू एक्स माइनस फाइव ईयर्स एंड एक्स माइनस फाइव ईयर्स। फाइव ईयर्स अगो ही वॉज फोर टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। मतलब उसका जो एज था फाइव ईयर्स पहले, दैट वॉज फोर टाइम्स द एज ऑफ डॉटर फाइव ईयर्स पहले। सो टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। ओके, सो दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो सबको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ए देखते हैं, ए इज 0.0001 विच इज 1/1234। बी क्या है, 1/1000 विच इज 10/1234। लाइक फ्रैक्शन बना दिया मैंने सबको। ओके, सी देखते हैं, सी है 0.1 द होल स्क्वायर, 0.100 द होल स्क्वायर। तो ये 0.1 का ही स्क्वायर है। सो विच इज 0.1 इज 1/10 इंटू 1/10। सो विच इज 1/100 विच इज 100/10,000। ओके, एंड डी, डी इज 1/10 प्लस 0.1 विच इज 1/10 विच इज 2/10 विच इज 2/10। के आगे कितनी जीरो लगाने हैं, 1, 2, 3। तो यहां पे 1, 2, 3। तो ये चार फ्रैक्शन है, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली 2000/10,000 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन फैमिली इज 45 इयर्स। तो एच इज इक्वल टू एज ऑफ हस्बैंड, डब्ल्यू इज एज ऑफ वाइफ। तो इनका एवरेज एच प्लस डब्ल्यू अपॉन टू कितना है, 45। Therefore, husband और वाइफ के एज का सम कितना है, 45 into 2 which is 90। The average of the family including their two sons is 26.5 years। अगर उनके दो बेटे हैं, बेटा 1 and बेटा 2, तो family का average एज कितना होगा, husband का एज, wife का एज, बेटा 1 का एज, बेटा 2 का एज, तो लोग कितने हुए, 4 divided by 4 इज इक्वल टू 26.5। ओके, तो एच प्लस डब्ल्यू प्लस बी वन प्लस बी टू कितना हुआ, 4 into 26.5, 26 2 52 53 106। ओके, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के एज का सम कितना है, 90। ये दिया हुआ है, तो 90 प्लस बी वन प्लस बी टू इज 106। सो व्हाट इज बी वन प्लस बी टू, 106 माइनस 90 विच इज 16। इसलिए आंसर है इसका सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
एट व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 इयर्स। तो ये जब डबल वगैरह का रहता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया, डबल ट्रिपल फोर टाइम्स, तो वो डबल जो हुआ तो दैट इज द अमाउंट, ओके, दैट इज नॉट द इंटरेस्ट, अमाउंट मिला उतना। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल को ले लेगा 100 रुपीज, पी आर टी आई ए, ए का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट परसेंट आर फाइंड करना है, विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, टाइम कितना है 12 इयर्स, पैसे कितने हुए 100 के 200 रुपए, तो 200 अमाउंट है, दैट इज 100 प्लस आई, देयरफॉर आई इज 100, तो आर फाइंड करना है, आई का फॉर्मूला लगाओ, पी आर टी अपॉन 100, देयरफॉर 100 इज इक्वल टू, ये इंटरेस्ट वाला 100 है, पी आर टी अपॉन 100, तो ये दो कट गए, सो व्हाट इज आर इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 12, 425 सर, 43 सर, सो आंसर इज 81/3%, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10, प्रिंसिपल कितना है 10 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इज 3 पैसे पर रुपी पर मंथ, 3 पैसे पर रुपी, 1 रुपी मतलब, 1 रुपी मतलब कितना हुआ 100 पैसे, ओके, तो 3 पैसे पर रुपी मतलब कितना हुआ 3/100 पर मंथ, ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपने को ईयर में ही होता है, सो दिस इज 3/100 × 12% पर एनम, विच इज 36% पर, 36/100% पर एनम, ओके, फॉर 4 मंथ्स, टाइम कितना है पी आर टी 4 मंथ्स, लेकिन टाइम भी अपना ईयर में चाहिए, सो दिस इज 4/12 years, तो इंटरेस्ट कितना मिला, दैट इज द क्वेश्चन, ओके, सो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ओके, अभी ये अपॉन 100 हम लोग इस पे लेंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों, क्योंकि अगर इसने कहा है 3 पैसे पर रुपी पर मंथ, तो 3/100 यही परसेंटेज है, तो ये हम लोग नहीं ले सकते, दिस इज 36/100, तो ये बना 12 3 0 0 कैंसल, 4 3 12/10 विच इज 1.2, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3 पैसे पर रुपी पर मंथ, इसका मतलब है 3 पैसे upon 100 पैसे पर मंथ, सो दिस इज 3/100 × 12 पर ईयर, लेकिन 3 × 12/100 इज 36/100 पर ईयर, लेकिन अपॉन 100 क्या होता है परसेंट, सो दिस इज 36% पर ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। A 17.5 meter high flagpole casts a shadow of 35 meter long. एक flagpole है, flagpole मतलब एक डंडा, पकड़ लो झंडा लगाने का डंडा, ठीक है ना, इसका height कितना है h, h है मेरा 17.5,
मीटर। तो इसने शैडो बनाया इतना, तो ये एबी मेरा पोल है, ब्लैक पोल, और एसी उसका शैडो। तो शैडो क्यों बना? क्योंकि सन यहां पे है और सन को, सन के रेज को ये फ्लैग पोल ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ये शैडो बना। व्हाट बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हुज शैडो कास्ट इज 36 मीटर इन द सेम पोजीशन। अभी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग ने शैडो कास्ट किया कितने मीटर का? 36 मीटर्स का। ओके तो हाइट एंड लेंथ ऑफ शैडो, हाइट कितना है 17.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ शैडो कितना हुआ 35 मीटर। तो ये इसके ट्वाइस हो गया, 17.5 इंटू 2। अभी लेंथ ऑफ शैडो उसका 36 मीटर है, तो हाइट कितना होगा? तो हाइट तो उसका आधा होगा, 18 मीटर। सिंपल ही। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है साइड क्यूब, दैट इज 343 मीटर क्यूब। तो साइड कितना होगा, साइड क्यूब कितना होगा? 343 क्या है? 7 का क्यूब। सो साइड ऑफ क्यूब कितना है? 7 सेंटीमीटर्स। द सरफेस एरिया इज के सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? इट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये साइड स्क्वायर क्या होता है? दिस इज एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। तो दिस इज 6 इंटू 7 स्क्वायर विच इज 6 इंटू 49, 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 29। आंसर इज 294। स्क्वायर रूट ऑफ 175.2976। ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल काम करना है हमें। देखो पहले इसको लिखते 175.2976 डिवाइडेड बाय एक के ऊपर 4 जीरो। क्यों? क्योंकि यहां डेसिमल में 4 डिजिट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो 3 बाय 4 इंटू 3 बाय 4 इज 3 बाय 4 द होल स्क्वायर विच इज 9 बाय 16। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय 16 विल बी 3 बाय 4। तो वैसे ही हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला एक स्क्वायर रूट है किसी का, तो मतलब स्क्वायर है 175.2976 इज स्क्वायर ऑफ सम नंबर, लेकिन नीचे वाला तो 100 का स्क्वायर है इसलिए उसका स्क्वायर रूट हो गया 100। अभी हमें ढूंढना है इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है ऑप्शन लो, ऑप्शन का स्क्वायर निकाल लो। तो दिस इज 13.26, तो हम लोग क्या करते हैं 1326 का स्क्वायर लेते हैं। ओके 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 15, 6 3 जा 18 19, 6 1 जा 6 7 क्रॉस, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 5, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 क्रॉस क्रॉस, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 7, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 1326 6 2 3 1। तो ये 6 ये 7, 14 प्लस 8 22, 8 प्लस 7 15 प्लस 13 28, 10 प्लस
फोर 14, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 1 7 4 8 2 7 6, ओके 1 7 4 8 2 7 6, 1 3 2 6 into 1 3 2 6. अब ये तो कुछ फिर से कर लेते हैं इसको, 1 3 2 6 into 1 3 2 6, 6 6 are 36, 6 2 are 12 15, 6 3 are 18 19, 6 1 are 6 7, 6 2 are 12, 2 2 are 4 5, 3 2 are 6, 2 1 are 2. उसके बाद 6 3 are 18, 3 2 are 6 7, 3 3 are 9, 3 1 are 3, क्रॉस 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 6 2 3 1, ये बना 6, ये 7, 14 प्लस 8 22, 8 प्लस 7 15 प्लस 13 28, 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 3 6 7, 1 7 5 8, 2 7 6. अभी ये जो नंबर है 1 7 5 8 2 7 6, दिस इज मोर देन 1 7 5 2 9 7 6, तो इसे छोटा वाला जो नंबर होगा वो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा. सो लेट्स ट्राई 1 3 2 4 इंटू 1 3 2 4, 1 3 2 4 इंटू 1 3 2 4, 4 4 are 16, 4 2 are 8 9, 4 3 are 12, 4 1 are 4 5, 4 2 are 8, 2 2 are 4, 3 2 are 6, 2 1 are 2, क्रॉस क्रॉस 4 3 are 12, 3 2 are 6 7, 3 3 are 9, 3 1 are 3, 4 2 3 1, 6 9 plus 8 17, 7 plus 2 9, 7 plus 4 11 plus 6, 17 plus 5 22, 9 plus 4 13 plus 2 15, 3 plus 3 6 7, 1 7 5 2 9, दिस इज द आंसर. देखो इसका स्क्वायर रूट जो निकला मेरा वो निकला 13.24, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 100 है, सो दिस इज 13.24. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40 इंटू 60 कैन बी कट आउट ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड टू डायमेंशन 120 बाय 160. तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है रेड कलर का जो 160 मीटर बाय 120 मीटर उसका डायमेंशन है. इसमें बनाना है मुझे छोटे वाले प्लॉट्स. इस प्लॉट का डायमेंशन कितना है, 40 बाय 60 मीटर्स ही है. सो ये दोनों रेक्टेंगल है, ब्लू रेक्टेंगल है, रेड रेक्टेंगल है. तो सपोज आई एम एबल टू मेक एन प्लॉट्स, सपोज एन प्लॉट्स आर मेड, देयरफॉर एन इंटू एरिया ऑफ वन प्लॉट स्मॉल is equal to area of field. So n into area of one plot, छोटा plot कितना है 40 into 60. Area of field कितना है 160 into 120. So what is n equal to 160 into 120 upon 40 into 60. 62s are 44 are 4 2 are 8. Okay. So answer is 8 plots. If A is an even number and B is an odd number, then which of the following is an odd number? ये देखो, A even number है suppose 2. ये A है. और B odd number है suppose 5. Okay. तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर. ओके, तो सपोज आई लुक एट ए इंटू ए प्लस बी. फर्स्ट ऑप्शन ए, ए इंटू ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, सेवन. तो सेवन को हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इवन नंबर ही होगा, अपने को ऑड नंबर आंसर चाहिए. दिस इज नॉट द आंसर. ओके, ए इवन नंबर है, इसका ए इंटू ए मतलब उसका स्क्वायर फोर है, इसका स्क्वायर फोर है, प्लस बी फोर प्लस फाइव प्लस वन, तो ये भी इवन नंबर हो गया, ये भी आंसर नहीं. ए बी क्या है मेरा, ए बी इज इवन इंटू ऑड विच इज इवन, और उसमें हम इवन नंबर ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी इवन होगा, ये आंसर नहीं है. ए बी कितना है, टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन, सो दिस इज डेफिनेटली ऑड, देयरफॉर दिस इज द आंसर. Which is the smallest number that should be subtracted from 9989 so that the number subtracted is completely equal to 22? ये बहुत बड़ा question है, बहुत बड़े बड़े number है, तो इसको हम छोटे number में convert करते हैं. Which is the smallest number that should be subtracted from 20 so the number so obtained is completely divisible by 7. 20 में से एक number subtract करो so that you get an answer which is a मल्टीपल ऑफ सेवन. कुछ नहीं करना है, 20 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 टू जा 14, रिमाइंडर 6. इसका मतलब क्या हुआ, 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 6 मुझे 20 दिया, तो अगर मैं 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 7 का मल्टीपल मिल रहा है. तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है, 9989 को 22 से डिवाइड कर देते हैं. वी डिवाइड 9989 बाय 22, 4 जा 88, 11 8, 5 जा 110 89, 4 जा 88. तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को, वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 सो दैट वी गेट अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 22. ओके, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ. ये मेरा रेक्टेंगल है, ये उसका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है उसका भी, तो लेंथ कितना होगा उसका, 7 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, बी प्लस 7. इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 94 देन व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू length plus breadth, which is 2 into length kitna hai mera, b plus 7 plus b, which is 2 into 2b plus 7, lekin wo kitna hai, 94. So what is 2b plus 7, it is 94 upon 2 which is 47. तो मुझे क्या मिला, 2b प्लस 7 कितना मिला, 47. तो 2b कितना होगा, 47 माइनस 7 मतलब 40, तो b कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20. तो b बना मेरा 20 और लेंथ बना 27. तो एरिया कितना होगा इसका, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. So this is 27 into 20. 27 2s are 54. Answer is 540. The selling price of an article including sales tax is 1232. The rate of sale is 10%.
If the shopkeeper made a profit of 12% then the cost price of the article is the rate of sales tax hai ye sale nahi hai rate of sales tax is 10% if the shopkeeper made a profit of 12% then the cost price of the article is abhi dekho itna tha article ka cost price okay fine और उस पे इन्होंने बनाया प्रॉफिट तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस लेकिन ये जो बचा है दिस इज सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स फाइनल अमाउंट पे लगता है तो सेल्स टैक्स क्या है इट इज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ओके तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है तो बिल कितने का बनेगा बिल बनेगा सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स का विच इज 100 प्लस 10% ऑफ 100 10% ऑफ 100 इज 10 100 प्लस 10 110 रुपये का बना मेरा बिल तो एसपी अगर 100 है तो बिल बना 110 रुपये का तो एसपी कितना है कि बिल बनेगा 1232 रुपीज का तो एसपी का फॉर्मूला अभी है यूनिटरी मेथड लगाते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 1232 अपॉन 110 जीरो जीरो गया 11 वन जा 11 13 11 वन जा 11 112 इंटू 10 सो दिस इज 1120 रुपीज ये क्या बना उसका सेलिंग प्राइस अभी ये पार्ट हो गया दिस इज 1120 इतना पार्ट क्योंकि ये पूरा पार्ट जो था दैट वाज 1232 ओके नाउ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% तो 1120 उसका सेलिंग प्राइस था उस पर सेल्स टैक्स लगा प्रॉफिट कितना बनाया 10% तो सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट है 10% ऑफ 100 विच इज 10 रुपीज तो एसपी बनता है 110 रुपए लेकिन अभी एसपी है मेरा 1120 सॉरी नॉट 10% 12% है प्रॉफिट इज 12% ऑफ सीपी विच इज 12 रुपीज तो एसपी बना मेरा 112 रुपए लेकिन अभी मेरा एसपी कितना है 1120 रुपए तो सीपी कितना ये क्वेश्चन है तो 112 का कितना हुआ इंटू 10 तो 100 का होगा इंटू 10 1000 रुपीज है मेरा सीपी पहले 3 प्लस 1/3 इवेल्युएट कर लेते हैं साइड में What is 3 plus 1/3? It is 3 into 3 plus 1/3, which is 9 plus 1, 10/3. 2 plus half करते हैं वाले. 2 plus half कितना है? 2 plus 1/2, 2 2s are 4. Plus 1/2, which is 5/2. तो अभी इसको लिखते हैं. 3 plus 1/10/3. -2 plus 1/5/2 सो दिस इज ये 3 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं 1 1/10/3 कितना होगा 3/10 1/5/2 2/5 तो इन सबको हम 10 डिनोमिनेटर पे कन्वर्ट कर देते हैं दिस इज 10/10 प्लस 3/10 प्लस
सो दिस इज दिस एंड दिस, तो ये कैलकुलेशन नहीं जाएगा. ओके, कैलकुलेशन ऐसे होगा 3 प्लस 1 अपॉन 10 बाई 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2. सो दिस इज 3 प्लस 3 बाई 10 माइनस 2 प्लस 2 बाई 5. तो ये बना मेरा 3 प्लस 3 बाई 10 मतलब कितना हुआ 3 प्लस 0.3 माइनस 2 प्लस 2 बाई 10 मतलब 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 बाई 5 मतलब 2 प्लस 4 बाई 10, 2 प्लस 4 बाई 10 मतलब दिस इज 3.3 माइनस 2 प्लस 0.4. सो विच इज 3.3 माइनस 2.4. तो 3.3 माइनस 2.4, 13 माइनस 4 9, आंसर इज 0.9. ओके, द डिफरेंशियल सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल 37 सेंटीमीटर्स. देखो सर्कल के लिए अगर आर है सर्कल का रेडियस और सी है उसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर. तो दिया क्या उसने, 2 पाई आर माइनस आर इज 37. ओके, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त. अभी देखो इसमें मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर माइनस आर इज 37. तो इसमें आर कॉमन ले लेता हूं, 44 बाई 7 माइनस 1 इज 37. देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया मैंने, ये जो आर है इसको ऐसे लिखा, देखो 44 बाय 7 इंटू आर माइनस 1 इंटू आर, तो आर कॉमन ले गया. तो दिस इज आर इंटू 44 माइनस 7 अपॉन 7. लेकिन 44 माइनस 7 क्या है, 37 अपॉन 7, तो ये उड़ गया. तो मुझे क्या मिला, 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 7, देयरफॉर आर इज 7. एरिया कितना है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, 22 इंटू 7 154 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. सो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट, 3 persons were traveling from place A to place B. The ratio of their speed is 4 is to 3 is to 5. Speeds of A, B and C. तो A का speed कितना है 4x, B का 3x, C का 5x. C सबसे जल्दी पहुंचेगा, B सबसे लेट पहुंचेगा. ओके, फाइन. देखो लॉजिक देखो, सी का स्पीड सबसे ज्यादा है तो सी को टाइम सबसे कम लगेगा. सी का टाइम, ये सी का टाइम है, बी का टाइम है, ए का टाइम है, रेशियो ऑफ द टाइम पूछा उसने. तो सी सबसे फास्ट जा रहा है, उसको सबसे कम टाइम लगेगा. तो सी और बी को कंपेयर करते हैं ए के साथ. देखो सी हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब सॉरी सी लीस्ट होना चाहिए क्योंकि स्पीड हाईएस्ट है. तो C इज 12, लेकिन यहां पे A को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि A का स्पीड B से ज्यादा है. तो B को सबसे कम टाइम लगना चाहिए, तो ये खत्म हो गया. B को सबसे कम टाइम लगना चाहिए, ये गया, ठीक है ना. B को सबसे कम टाइम लगना चाहिए, ये गया, ये आंसर है. अभी आता कैसे है, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ए बी सी के टाइम का रेशियो है 1 बाय 4, 1 बाय 3, 1 बाय 5,
और 4-3-5 का एलसीएम है, 4-3-12-5-60, क्योंकि रेशियो शुड ऑलवेज बी इन होल नंबर्स, 60/5. सो दिस इज 15:20:12, दैटफॉर बी इज द आंसर. लेट्स सी दिस 73, क्वेश्चन नंबर 73. इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ 2x + 15, वो सब छोड़ दो, पहले x की वैल्यू निकालना है. x कैसा एंगल है, x इसके साथ, अगर इस एंगल का नाम दिया मैंने a, तो x एंड a आर इन अ लीनियर पेयर. x और a कैसे है, लीनियर पेयर में, तो इसलिए x प्लस a का सम कितना होगा, 180. अभी हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. व्हाट इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. तो उसमें से दो एंगल चले गए, 60-45, तो a प्लस 60+45 इज 180. सो a प्लस 105 इज 180. सो a इज 75. a अगर 75 है, ठीक है ना, a अगर मेरा 75 है, ओके, तो x का वैल्यू क्या होगा, a मेरा 75 है, तो x कितना होगा, 180-75 विच इज 105. लेकिन उसने x का वैल्यू नहीं पूछा, उसने 2x + 15 का वैल्यू पूछा है. 2x + 15 क्या होगा, 2 × 105 + 15, 105 × 2 कितना है, 210 + 15, दिस इज 225. दिस इज द आंसर. Okay, so that takes care. Thank you.